Hello everyone, I am Rekha Garg and I welcomes you to Garg Classes. Today's topic is type of share capital. सबसे पहले share capital क्या होता है? Share capital है capital raised by company by issuing of shares. जब company shares को issue करके capital इकट्ठा करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? Share capital. उसके बाद हम इसमें types of share capital है. Types of share capital में सबसे पहले authorized capital. ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या है? वो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपने लाइफ टाइम में इशू कर सकती है. मींस अपने पूरे लाइफ टाइम का एक आइडिया लगा के कि इतने पैसे हमें अपने पूरे लाइफ टाइम में इशू करने हैं, वो कैपिटल वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करते हैं, उस कैपिटल को हम बोलते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल. ऑथोराइज्ड कैपिटल के टू नेम्स और भी हैं. एक होता है इसमें नॉमिनल कैपिटल एंड सेकेंड इज रजिस्टर्ड कैपिटल, क्योंकि इस कैपिटल से कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है. तो इस कैपिटल को हम बोलते हैं नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल. तो ऑथोराइज्ड कैपिटल वो मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में इश्यू करेगी, इसको हम नॉमिनल कैपिटल या फिर रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलेंगे. उसके बाद सेकेंड पार्ट है इश्यूड कैपिटल. इश्यूड कैपिटल इज पार्ट ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल विच इज एक्चुअली ऑफर्ड टू पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन. ऑथोराइज्ड कैपिटल तो टोटल मैक्सिमम कैपिटल जितनी कंपनी अपने लाइफ टाइम में इश्यू करती है, और इश्यूड कैपिटल कौन सी कैपिटल होगी? उसका वो पार्ट जो कंपनी को अभी चाहिए, अभी काम के लिए चाहिए, तो उसको वो जो लोगों को ऑफर करेगी, जो पब्लिक को जितना पार्ट उसका ऑफर करेगी उसे हम बोलेंगे इश्यूड कैपिटल. सपोज कंपनी की ऑथोराइज्ड कैपिटल 1 करोड़ रुपीस है, 1 करोड़ में से कंपनी को अभी चाहिए 10 लाख रुपीस, तो 10 लाख रुपीस के शेयर कंपनी अभी इश्यू करेगी. इस जो 10 लाख रुपीस की अमाउंट है इसको हम बोलेंगे इश्यूड कैपिटल. उसके बाद थर्ड है सब्सक्राइब्ड कैपिटल. सब्सक्राइब्ड कैपिटल इश्यूड कैपिटल में से वो पार्ट है जिसके लिए लोगों ने अप्लाई किया. सब्सक्रिप्शन कम शेयर्स के लिए भी मिल सकता है, सब्सक्रिप्शन ज्यादा शेयर्स के लिए भी मिल सकता है. मींस जितने शेयर्स के लिए कंपनी एप्लीकेशन मंगवाती है, जरूरी नहीं है उतने ही शेयर्स के लिए कंपनी का एप्लीकेशन मिले. कम शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन मिल सकते हैं, ज्यादा के लिए भी मिल सकते हैं. अगर कम शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन मिला तो दिस इज कॉल्ड अंडर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, और अगर ज्यादा के लिए मिला तो वो होता है ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स. सपोज कंपनी ने 10,000 शेयर्स इश्यू किए और लोगों ने अप्लाई किया 9,000 शेयर्स के लिए. पब्लिक ने अप्लाई किया कितने शेयर्स के लिए? 9,000. तो कंपनी की जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो होगी 9,000 शेयर्स. ठीक है, अब आगे थोड़ा सा जो कंफ्यूजिंग पॉइंट है वो है सब्सक्राइब कैपिटल को हम टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप कैपिटल एंड सेकेंड इज सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप. ठीक है, इस चीज को समझना है. अब सपोज 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू किए, 9,000 के लिए पब्लिक सब्सक्रिप्शन मिला, लोगों ने अप्लाई कितने के लिए किया? 9,000 शेयर्स के लिए. ऑल कॉल्स वर मेड. ठीक है, सभी कॉल्स मंगवा ली. सपोज 3 रुपीज एप्लीकेशन पे थे, 2 रुपीज अलॉटमेंट पे, 3 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 2 ऑन फाइनल कॉल. तो सभी कॉल्स मंगवाई, अभी मिल भी गई एक्सेप्ट फाइनल कॉल और ऑफ रुपीज 2 और 200 शेयर्स. बाकी तो सभी शेयर्स के ऊपर सारी कॉल्स मिल गई. ठीक है, सिर्फ 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज की फाइनल कॉल, जो ये वाली फाइनल कॉल थी वो रिसीव नहीं हुई. ठीक है, क्वेश्चन समझ आ गया. 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मिली है, सभी कॉल्स मंगवाई, बाकी तो सभी मिल गई, क्या नहीं मिला? सिर्फ 200 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज की फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई. तो इसको क्या करना है, इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लो. 9,000 को टू पार्ट्स में डिवाइड करना है. एक तो वो पार्ट जिसपे सभी कॉल्स की अमाउंट मिल गई, और दूसरा वो जिसपे कॉल्स की अमाउंट रिसीव नहीं हुई. तो 9,000 में से 200 ऐसे हैं जिनपे कॉल्स की अमाउंट रिसीव नहीं हुई. तो 8,800 पे तो सारी अमाउंट मिल चुकी है, तो 8,800 को तो एक साइड लेके जाना है और 200 को दूसरी साइड. तो 8,800 क्या बनेगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुली पेड अप, जिसमें जितने अमाउंट मंगवाई
मतलब पूरी अमाउंट कॉल भी कर ली और पूरी अमाउंट रिसीव भी हो गई, तो 8800 शेयर्स 10 रुपीज का एक, तो ये कितना हो गया 88,000 रुपीज। सेकेंड पार्ट, जिसके ऊपर अमाउंट रिसीव नहीं हुई वो कौन सा था, 200 शेयर्स के ऊपर फाइनल कॉल रिसीव नहीं हुई, तो इसको हम क्या मानेंगे, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुली पेड अप। ये सब्सक्राइब्ड है बट फुली पेड अप नहीं है, तो 200 शेयर्स 10 रुपीज का एक, तो कितनी अमाउंट हो गई 2000 की, बट इसमें पूरी अमाउंट रिसीव नहीं हुई है, 2 रुपीज इसमें रिसीव नहीं हुए, तो जो अमाउंट रिसीव नहीं हुई है उसको हम क्या बोलेंगे, कॉल्स इन एरियर। तो 200 शेयर्स पे 2 रुपीज रिसीव जो नहीं हुए हैं वो इसमें से हमें लेस करके दिखाने हैं, ये अमाउंट आ जाएगी 2000 माइनस 416,000 रुपीज, तो टोटल जो सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगी वो हमारी कितनी है, 88,000 प्लस 1600, 89,600 रुपीज। नाउ द फोर्थ पार्ट ऑफ कैपिटल इज कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल क्या है, पार्ट ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल विच इज कॉल्ड बाय डायरेक्टर फ्रॉम शेयर होल्डर्स। जो भी सब्सक्राइब्ड कैपिटल का वो पार्ट जिसको डायरेक्टर्स कॉल करते हैं शेयर होल्डर्स से, सपोज 10,000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज का एक है, इज इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड, मतलब कंपनी ने इश्यू किया 10,000 शेयर, शेयर 10 रुपीज का एक है, इश्यू कर दिए और सभी के लिए सब्सक्रिप्शन मिल गया, मतलब सबके लिए एप्लीकेशन रिसीव हो गई। डायरेक्टर्स कॉल्स फॉर 8 रुपीज पर शेयर, डायरेक्टर्स ने अभी तक 8 रुपीज पर शेयर ही शेयर होल्डर से मंगवाए हैं, तो अमाउंट जो कॉल्ड अप शेयर्स की अमाउंट होगी, कॉल्ड अप कैपिटल विल बी 80,000 रुपीज, 10,000 इंटू 8 रुपीज पर शेयर। नॉर्मली जो डायरेक्टर्स हैं या जो कंपनी है वो एकदम से पूरी अमाउंट शेयर्स पे नहीं कॉल करती है, जितने जितने रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग कॉल होती है, तो 8 रुपीज अगर अभी तक मंगवाए हैं तो 80,000, 6 अगर अभी तक मंगवाए हैं तो 60,000, तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू जितना रुपीज पर शेयर कंपनी ने कॉल किए, ये होगी कंपनी की कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट इज पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल क्या है, तो पोर्शन ऑफ कॉल्ड अप कैपिटल विच हैज बीन एक्चुअली रिसीव्ड फ्रॉम शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स से जो पार्ट कॉल्ड अप कैपिटल का मिल गया, अब सपोज यहां पर 80,000 रुपीज कंपनी ने मंगवाए थे, ये तो हो गए इसकी कॉल्ड अप कैपिटल, बट जरूरी नहीं है जितने कंपनी कॉल करे सभी शेयर होल्डर्स उतना ही दें, कुछ शेयर होल्डर्स ऐसे हो सकते हैं जो टाइम पे अपनी कॉल की मनी पे नहीं करते, तो वो मनी जो वो पे नहीं कर रहे हैं वो अगर उसमें से लेस कर दे कॉल्ड अप अमाउंट में से, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या होगी, पेड अप कैपिटल। सपोज इस एग्जांपल में कंपनी के शेयर से 10,000, 10 रुपीज का एक था, इशू किए, डायरेक्टर्स ने कॉल कितने की थी, 8 रुपीज की कॉल की, तो कॉल्ड अप अमाउंट तो हो गई 80,000 रुपीज। बट इफ ए शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर पेज रुपीज 6 पर शेयर, एक शेयर होल्डर के पास 100 शेयर थे, उसने कितना पे किया, 6 रुपीज अगेंस्ट रुपीज 8 कॉल्डर, उससे मंगवाया कितना था 8 रुपीज, बट वो पे कितना कर रहा है 6 रुपीज, तो 2 रुपीज अभी तक उसने पे नहीं किया, 100 शेयर्स इनटू 2 रुपीज जो उसने पे नहीं किया, जो उसने पे नहीं किया वो इसमें से लेस हो जाएगा, दिस इज कॉल्ड कॉल्स इन एरियर। तो अमाउंट पेड अप कैपिटल कितनी होगी यहाँ पर, 79,800 रुपीज। ठीक है, लास्ट इज रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कैपिटल का वो पार्ट होता है जो कंपनी अपने पूरे लाइफ टाइम में कभी भी शेयर होल्डर्स से कॉल नहीं करती है, वो उस टाइम के लिए उसको बचा के रखती है कि अगर बाइंडिंग अप हो जाए या कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए और पैसों की जरूरत पड़े, कंपनी के पास पैसा कम रह जाए तो फिर पैसे कहां से आएंगे, तो उस टाइम के लिए जिस कैपिटल को वो बचा के रखे उसको बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। क्योंकि शेयर होल्डर्स की जो लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है इनकी अमाउंट तक, मीन्स जैसे 10 रुपीज का शेयर है और शेयर होल्डर 10 रुपीज पे कर चुके हैं, तो इसके बाद शेयर होल्डर कोई अमाउंट पे नहीं करेगा, और अब कंपनी का लिक्विडेशन हो रहा है, कंपनी के पास पैसे कम है, आउटसाइडर्स को पेमेंट करने के लिए नहीं है, तो कंपनी क्या करती है, सपोज जैसे 10 रुपीज का शेयर है, कंपनी 1 रुपये अभी बचा के रखती है, वे किसी भी टाइम जरूरत पड़ेगी तो मंगवा लेगी, तो जो 1 रुपये की अमाउंट कंपनी ने बचा के रखी है, 9 रुपीज वो कॉल कर चुकी है, 1 रुपये जो बचा के रखा उसको हम बोलेंगे रिजर्व कैपिटल। तो ये पार्ट होता है रिजर्व कैपिटल का।
प्लस टू के सीबीएसई के सिलेबस में अकेला शेयर कैपिटल को शो करना बैलेंस शीट में, सिर्फ वही आएगा, बाकी और कुछ शो नहीं करना है। मीन सिक्योरिटीज प्रीमियम, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, कुछ भी शो नहीं करना है, बाकी के एग्जाम्स में आता है सब। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।